नमस्कार, मैं रवि मिश्रा, अपने YouTube चैनल यूनिवर्सिटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं ऑनलाइन क्लासेस के अलावा ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ाता हूं, जो कि ग्रेजुएशन लाइफ रामपुर रोड लोहार लेन में है। वहां भी आप हमसे ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ सकते हैं। जैसा कि आज हम अपने टॉपिक में BSc मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स टॉपिक में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कोई भी यूनिवर्सिटी हो उससे एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहता है, जो कि टॉपिक है मेरा रैंक ऑफ मैट्रिक्स। यानी किसी भी मैट्रिक्स का हमें रैंक जो फाइंड करना होता है, कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। देखिए, यदि एग्जाम में आपको सिर्फ ये दिया हुआ है कि आपको रैंक फाइंड करना है, तो आप किसी भी मेथड से रैंक फाइंड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसा कि हम जानकारी के लिए, जैसा कि हम प्रॉमिस किए हुए हैं कि हम BSc का कंप्लीट टॉपिक आपको प्रोवाइड करेंगे, कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड करेंगे यूट्यूब पर, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आपको कंप्लीट रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाएंगे। तो आइए आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में हम जो है पहले जानते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स को डिफाइन कैसे किया जाता है, आखिर रैंक ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली होता क्या है, इसके अलावा कितने ऐसे मेथड हैं जिसका हेल्प से हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो इसका डिफिनेशन जैसे कि हम लिखे हुए हैं, ए नॉन जीरो नंबर आर इज सेट टू बी रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ए नॉन जीरो नंबर आर इज सेट टू बी ए रैंक ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी नॉन जीरो नंबर आर जो है आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा, मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स हम ए लिए हैं, इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट ए माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर। इसका मतलब ये हुआ, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, कम से कम एक माइनर ए का जो हो आर ऑर्डर का, वो एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब ये कि वो आर ऑर्डर का माइनर जो है वो जीरो नहीं आना चाहिए, उसका जो है कम से कम कोई ना कोई वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये हुआ कि आर जो है किसी मैट्रिक्स ए का रैंक तब कहलाएगा जब आर ऑर्डर का माइनर उस मैट्रिक्स ए का वो कम से कम एक माइनर जीरो ना हो। अगली बात, एवरी माइनर ऑफ हायर ऑर्डर देन आर। यानी और आर जैसे रैंक का, आर जैसे मैट्रिक्स का रैंक हुआ, तो आर से हायर ऑर्डर का जितना भी माइनर बनेगा वो आपका जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ही हम बोलेंगे कि आर क्या है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स है। इसको हम सवाल करेंगे तो आपका और क्लियर होगा। अब पहले हम अभी डिफिनेशन देख रहे हैं, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय आर, ये रो से डिनोट किया जाता है, रो इस ए मैट्रिक्स के लिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए रो से डिनोट किए बराबर आर हम लोग लिखे हैं। देखिए, हम थोड़ा सा इसको ऐसे आपको समझाएं कि जैसे हम ये जो डिफिनेशन दिए हुए हैं, ये माइनर मेथड के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं डिफिनेशन रैंक और मैट्रिक्स का। सबसे सिंपल मेथड रैंक निकालने का माइनर मेथड होता है, कि जिसका माइनर से हम जो है माइनर मेथड के अकॉर्डिंग रैंक निकालते हैं। तो माइनर मेथड का कंडीशन जो आपको यही बोलता है कि कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है तो उसके हाइएस्ट ऑर्डर का हम माइनर तैयार करेंगे और उसका वैल्यू निकालेंगे, और यदि उस ऑर्डर का वैल्यू, उस माइनर का वैल्यू जिस ऑर्डर का हम हाईएस्ट ऑर्डर का रैंक बनाए हुए हैं, यदि वो जीरो नहीं आया तो वही ऑर्डर जो होगा, जिस ऑर्डर का वो माइनर होगा, वो रैंक हो जाएगा। बट यदि वो जीरो आ गया तो उससे लोएस्ट ऑर्डर का हम लोग माइनर तैयार करेंगे और उसका वैल्यू निकालेंगे, और उसका वैल्यू कम से कम यदि एक भी वैल्यू आपका जीरो नहीं आया तो वही ऑर्डर जो है आपका उस मैट्रिक्स का रैंक हो गया। तो वही बात हम डिफिनेशन में यहाँ दिए हुए हैं कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन माइनर, ए माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर, कोई भी एक माइनर ऑर्डर आर का जो है एग्जिस्ट करना चाहिए, और फिर एवरी माइनर ऑफ हायर ऑर्डर देन आर इज जीरो, और आर से हायर ऑर्डर का जो होगा ये माइनर जो होगा जीरो होगा। तो एक छोटी सी बात आपको यहाँ पर हम नोट में लिखा देना चाहते हैं कि जैसे कि सपोज करिए ए मैट्रिक्स कोई आपका इस तरह से है, 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स या 4x4 ऑर्डर का जो भी है, हम पहले स्क्वायर मैट्रिक्स का बात कर रहे हैं, तो आप ये बोल सकते हैं
इसका रैंक बनाने जो हम निकालेंगे इस मैट्रिक्स का, पहले हम थ्री ऑर्डर का माइनर निकालेंगे। थ्री ऑर्डर का माइनर यदि जीरो नहीं आया तो थ्री ही इस मैट्रिक्स का रैंक हो गया, बट यदि थ्री ऑर्डर का माइनर जीरो आ गया तो थ्री इसका रैंक नहीं होगा, उससे नीचे हम लोग टू ऑर्डर का माइनर तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये बोलने का मतलब ये हुआ कि इसका रैंक जो है थ्री बाय थ्री ऑर्डर मैट्रिक्स का रैंक जो है ये तीन के बराबर या तीन से छोटा होगा, लेस एंड इक्वल टू थ्री होगा, तीन से बड़ा कभी नहीं होगा। ठीक है, थ्री बाय थ्री ऑर्डर का जब मैट्रिक्स रहेगा या फोर बाय फोर ऑर्डर का यदि रहता तो लेस एंड इक्वल टू फोर हो जाता। ठीक है, यानी इसका रैंक जो है तीन से छोटा या तीन के बराबर होगा, तीन से बड़ा कभी नहीं हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो हम बात किए स्क्वायर मैट्रिक्स का, और जब हम बात करेंगे कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर ना हो, जैसे हम ले लिए थ्री बाय फोर ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लिए, अब इसका रैंक कितना होगा, तो इसका जो रैंक होगा रैंक ऑफ ए लेस एंड इक्वल टू मिनिमम, यहां से हम लेंगे थ्री और फोर, तीन और चार दोनों में से जो मिनिमम है उसके बराबर या उससे छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं ये दो बातें आपको समझ में आया होगा, इस पर हम सवाल करेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। अभी सिर्फ हम डिफिनेशन आपको बता रहे हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, इसमें हम लोग कैसे काम करते हैं, और इसके बाद जैसे कि ये बातें हम बताए, आपको एक बात और बता दें, कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स यदि है, कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है उसका हम लोग रैंक निकालेंगे तो वो कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, वो हमेशा जीरो से बड़ा ही होगा उसका रैंक जो है, जीरो एक ही केस में रैंक हो जाएगा जब वो आपका मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हो, तो उसी केस में आपका रैंक जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा। आगे हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब रैंक ऑफ रैंक किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग निकालते कैसे हैं, इस बात का बात करेंगे। तो देयर आर फॉलोइंग फोर मेथड टू फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। हमारे पास रैंक मैट्रिक रैंक किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकालने का चार मेथड है, चार मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। आइए हम लोग चारों मेथड को अभी देख लेते हैं, इसके बाद सेपरेटली हम लोग सभी मेथड को समझेंगे और सभी मेथड पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहला मेथड आपको है माइनर मेथड, ठीक है, माइनर मेथड, इसको डिटरमिनेंट मेथड भी कहा जाता है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग अभी समझे डिफिनेशन को रैंक ऑफ मैट्रिक्स को। तो ये माइनर मेथड सेम यही है आपका जो हम अभी समझाए, तो पहला तो ये मेथड हो गया माइनर मेथड, जिसके अकॉर्डिंग जो है हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं, जो अभी थोड़ा देर पहले हम समझाए। दूसरी बात, अगला मेथड जो है आपका है एसलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। एसलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स एक ऐसा मेथड है जिसके अकॉर्डिंग हम दिए हुए मैट्रिक्स को एक अलग ही मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो कि जो फॉर्म में जिस फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं वही फॉर्म जो होता है मेरा एसलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। तो एसलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स का किस तरह का फॉर्म होता है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, और उस फॉर्म में मैट्रिक्स को कन्वर्ट करने के बाद हम नंबर ऑफ नॉन जीरो रो को यानी काउंट करते हैं कि ऐसे कितने रो उस मैट्रिक्स में हैं जो कि जीरो नहीं हो पाए हैं, तो वही नंबर ऑफ नॉन जीरो रो जितना होता है वही आप मैट्रिक्स का रैंक हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग एसलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स को निकालते हैं। इसके बाद अगला तीसरा मेथड है आपका नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं इसको, कैनोनिकल फॉर्म भी बोला जाता है। तो ये क्या होता है, तो इसका भी एक फॉर्म होता है कि जैसे किसी भी मैट्रिक्स को हम जो है पहले देखिए नॉर्मल फॉर्म में बदलने के लिए सबसे पहले हमें एसलन फॉर्म में बदलना ज्यादा उचित होता है, वैसे डायरेक्ट भी किया जा सकता है बट कभी कभी ऐसा केस देखा जाता है कि सवाल बहुत लंबा हो जाता है, तो इसी के अकॉर्डिंग ज्यादा उचित हम सवाल कराएंगे आपको। तो ज्यादा उचित ये रहता है कि पहले हम एसलन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें उसके बाद नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो इसका भी एक फॉर्म होता है, हम आपको दिखाएंगे आगे वीडियो में। अगला है यूजिंग रो एंड कॉलम ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन मेथड, ये बहुत ही सिंपल होता है। यूजिंग रो एंड कॉलम, तो उसमें दिया हुआ मैट्रिक्स में हम रो और कॉलम जो ऑपरेशन लगाना है ऑपरेशन हम कंटिन्यू लगाते रहते हैं, और उसमें मेरा काम यही रहता है कि कितने रो या कितने कॉलम को हम जीरो रो या जीरो कॉलम बना सकते हैं। उसके अलावा ऐसे रो
या ऐसे कॉलम जो मेरा बच जाता है जो आपको यानी जीरो नहीं हो पाता है, तो उसी का संख्या आपको रैंक बता देता है कि वो रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो गया। बेसिकली रैंक ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग निकाल क्या रहे होते हैं, ये क्लियरली पहले जान लीजिए कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग निकाल रहे होते हैं कि उस मैट्रिक्स में कितने ऐसे रो या कितने ऐसे कॉलम हैं जिन्हें कोई भी ऑपरेशन करने के बाद वो जीरो नहीं बन सकता है। ठीक है, तो यही नॉन जीरो रो या नॉन जीरो कॉलम का जो संख्या होता है यही आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है। बेसिकली हम लोग यही फाइंड करने का ये चार मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स का फाइंड करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इतनी सारी बेसिकली जो बातें हैं ये अभी इस वीडियो में हम बताए हैं। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू सभी मेथड के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स देखेंगे और सभी मेथड को समझेंगे और इस पर बहुत सारे सवाल को देख लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।